चार साल रहा, इसलिए कराची से मेरी खास तौर पर मेरी मोहब्बत होती है। और सबसे पहले जाम ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्होंने मुझे यहाँ अपना ख्याल पेश करने का मौका दिया। और दूसरा जो है हसन दाऊद साहब भी इस रफ्ते के ये प्लानिंग, हसन दाऊद जो है ये प्लानिंग मिनिस्ट्री की तरफ से रफ्ते में उन्होंने बहुत मेहनत की। और हसन दाऊद और सीपैक में भी बहुत बड़ा काम किया है। और जनवरी में मैंने पेकिंग यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार करवाया था, और उन्होंने भी वहाँ बहुत अच्छी तकरीर की। अब मैं आपका यानी तकरीर मैं शुरू कर लूँगा। और सबसे पहले मैं चाइना पाकिस्तान के रिसर्च के बारे में, उर्दू ज़ुबान के बारे में आप लोगों को तारुफ कराऊँ। और सीपैक से पहले चाइना में सिर्फ दो या एक यूनिवर्सिटी में वहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है, और सिर्फ दो या एक यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान स्थानीय सेंटर मौजूद था। और सीपैक के बाद अब चाइना में तकरीबन 10 के करीब यूनिवर्सिटी में उर्दू शुरू करने लगे, और वहाँ के पाकिस्तान स्थानीय सेंटर मेरे ख्याल में 10 से भी ज़्यादा हो। और इसका मतलब है वहाँ हर साल किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, किसी न किसी रिसर्च सेंटर में पाकिस्तान सीपैक के मौजू पे वहाँ सेमिनार होता। इसका एक मतलब होता है कि ये पूरे चाइना और चाइना के अवाम एक मजबूत और एक खुशहाल पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। ये तो एक मुख्तसर मैंने आपको तारुफ कराया। और सीपैक के बारे में जब मैं पाकिस्तान, क्योंकि सीपैक की वजह से मुझे भी बहुत पाकिस्तान आने का मौका भी मिलता रहता है, और यहाँ आने के बाद कुछ पाकिस्तानी दोस्त मुझसे पूछ रहे कि ये सीपैक क्या है और सीपैक से हमें क्या फ़ायदा है, चाइना क्यों सीपैक, चाइना के वज़ीर आज़म क्यों सीपैक उठाया। मैंने पाकिस्तानी दोस्तों को बताया क्योंकि पाकिस्तान चाइना का वाहिद मुल्क है, यानी चाइना आज़ादी के बाद और हमारे दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखते हैं और बल्कि मजबूत होते जा रहे हैं। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म वज़ीर हाचा जो है कल उन्होंने कहा कि चाइना और पाकिस्तान ये हमारे स्टील का वो जो दोस्ती जो है, कहीं ऐसा ना हो हमें उसको जंग लगाने की इजाज़त कभी नहीं दे देंगे, ये कल की बात है। और चाइना 40 साल से पहले चाइना में चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में चाइना पाकिस्तान से अरीब था। अब मुझे मेरी जहन में अभी तक ये याद ताज़ा है कि तो सन 1980 में उस वक्त पाकिस्तान की फिक्स आमदनी जो है 240 थे और चाइना सिर्फ 190 थे, और उस वक्त हमारे खाने पीने की
सब चीज जो है बहुत क्लियर थी, लेकिन पाकिस्तान तो हर चीज मिलती थी। और इसलिए जब 40 साल से पहले चाइना ओपन पॉलिसी शुरू की, ये 40 साल में चाइना बहुत तब्दीली आ गई, लेकिन हमारे दोस्त जो है थोड़े पीछे रह गए। हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त भी चाइनीज के हमारे चाइना के साथ बराबर तरक्की कर लें, ये हमारा मकसद। और पाकिस्तान चाइना की तारीख में अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाने में पाकिस्तान बहुत अहम किरदार किया, और बहुत मुस्लिम ममालिक के साथ जो सिफारती ताल्लुकात पाकिस्तान के ज़रिए कायम किया गया था। इसलिए पाकिस्तान ऐसे दोस्त जो है हमें चाइनीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी हमारे साथ तरक्की कर ले, ये